हेलो दोस्तों नमस्ते सरोज की किचन में आपका स्वागत है आज मैं नारियल को छीलने की रेसिपी लेकर आई हूँ नारियल को आसानी से कैसे छीला जाए हम बहुत सारी रेसिपियों में कच्चे नारियल का यूज़ करते हैं उस समय बड़ी परेशानी होती है जब नारियल को छीलने की बात होती है तो कई दुकानदार तो छील कर दे देते हैं पर कई दुकानदार छिलकर नहीं देते हैं तब नारियल को घर पर छीलना पड़ता है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कभी किसी को कहते हैं कि आप छील दो कभी किसी को कहते हैं कि आप छील दो कैसे छीलें कई बार छीलने में हाथ में भी लग जाती है तो उसी समस्या का हल मैं आज आपके लिए लाई हूँ तो हम आसानी से नारियल को कैसे छीलना है ये बताऊंगी ये हमारा जूट वाला नारियल था इसका जूट वाला हिस्सा हमने हटा लिया है अब हम घंटों का काम दो मिनट में करेंगे इसमें ये तीन आँखें जैसी होती हैं इसमें एक आँख बहुत ही सॉफ्ट होती है और दो टाइट होती हैं इसमें स्क्रू ड्राइवर डालकर हमने इसका पानी निकाल लिया है अब हम नारियल को लेकर गैस पर रखेंगे और गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और आप देख रहे हैं नारियल के ऊपर थोड़ा सा जूट है वह जलने लग गया है अब इसे चम्मच और इस की सहायता से नारियल को चारों ओर घुमा घुमा कर गर्म करेंगे नारियल को हम एक से दो मिनट तक ऐसे घुमा घुमा कर गरम करेंगे उसी में इसका ऊपर का हिस्सा चटक जाएगा नारियल को गरम करते हुए एक दो मिनट हो गई हैं आप देख रहे हैं हमारा नारियल चटक गया है और कवर और नारियल दोनों ही फट गए हैं अंदर से कच्चा वाला नारियल नज़र आ रहा है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और नारियल को नीचे उतार लेंगे नारियल को हमने नीचे रख दिया है एक दो मिनट इसको ऐसे ही रहने देंगे और किसी चीज़ से इस पर चोट मारेंगे घुमाते हुए इस तरह चोट मारने से क्या होगा कि नारियल और ये जूट वाला कवरिंग अलग अलग हो जाएगी ये अलग से आवाज़ आने लग जाएगी तब हम इसको अलग कर लेंगे हम नारियल पर चारों तरफ घुमा घुमा कर मार रहे हैं आप देख रहे हैं हमारा कुछ जूट का हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया है और नारियल देखने लगा है इसी तरह से सारा नारियल अलग हो जाएगा नारियल में एक दो बार और मारेंगे इस तरह से घुमाते हुए तो देखिए हमारे नारियल के दो हिस्से हो गए हैं अब ये आसानी से निकल जाएगा नारियल की कवरिंग हल्की फुल्की चिपकी हुई है इसे हम चाकू से चारों तरफ घुमा देंगे तो हमारा नारियल और कवरिंग अलग हो जाएंगे आप देख रहे हैं हमारा आसानी से नारियल और कवरिंग अलग हो गए हैं इसी तरह से चाकू लेंगे और इस वाले हिस्से को भी और कवरिंग को अलग कर लेंगे भी आसानी से अलग हो गया है अब एक बड़े बाउल में पानी ले लेंगे और उसमें डालकर इसको धो लेंगे हमने यहाँ पर किसी कपड़े का यूज़ नहीं किया था नहीं कोई कपड़ा ले लेते तो उससे बाहर का कालापन साफ हो जाता और हमारे हाथ और नारियल काले नहीं होते पर पानी से हम लेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा नारियल का ऊपर का हिस्सा काला था उसी से हमारे हाथ काले हो गए अब हम इस पानी को फेंक देंगे आप देख रहे हैं हमारा नारियल कितना आसानी से निकल गया है और आराम से टूट भी रहा है इस तरह से आसानी से हमने नारियल और नारियल के ऊपर की कवरिंग को अलग कर लिया है अब हमें कभी भी ऐसे नारियल अलग करने में कोई समस्या नहीं होगी जब हमें ज़रूरत होगी तब हम आराम से निकाल सकेंगे और कच्चे नारियल से जो भी हम रेसिपी बनाना चाहें वो काम में ले सकेंगे किसी के आगे पीछे नहीं घूमना पड़ेगा कि आप छील दो आप इसके कवरिंग को हटा दो हम आराम से खुद ही इस काम को कर सकेंगे अब आप कच्चे नारियल से जो भी रेसिपी बनाना चाहें वो रेसिपी बना सकेंगे तो दोस्तों घंटों का काम हो गया ना मिनटों में अब हमें किसी से यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप इसे कर दीजिए तो दोस्तों मेरे इस तरीके से आप भी नारियल का छिलका अलग करके देखें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरे नारियल का छिलका हटाने का तरीका कैसा लगा अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें धन्यवाद